नमस्कार, आप सबका स्वागत है। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म पैडमैन 26 जनवरी को रिलीज हो रही है। ये फिल्म अरुणाचलम मुरुगनाथम की रियल लाइफ पर बेस्ड है, जिन्हें गांव की महिलाओं को सस्ते पैड मुहैया करवाने के लिए जाना जाता है। हाल ही में मीडिया इंटरेक्शन के दौरान अक्षय ने काफी अहम खुलासे किए। अक्षय बताते हैं कि हमारे देश में पीरियड जैसे टॉपिक आज भी टैबू है, लेकिन मेरे घर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक्षय बताते हैं, ट्विंकल हमारे बेटे आरव के साथ इस बारे में खुलकर बात करती हैं। उसने इस बारे में बेटे को सब कुछ बताया है। हमारी फैमिली में कुछ भी छिपा नहीं है। आगे अक्षय कहते हैं, आज भी हमारे देश में 82% महिलाएं ऐसी हैं जिनकी सैनिटरी पैड तक पहुंच नहीं है। अगर हमारी फिल्म के जरिए 5% महिलाएं भी अवेयर हो जाती हैं तो हम ये जंग जीत जाएंगे। अरुणाचलम मुरुगनाथम को महिलाओं की पीरियड्स के दौरान सैनिटरी नैपकिन का खर्च नहीं उठा पाने की समस्या पर काम करने के चलते ही पैडमैन के नाम से जाना जाता है। आर बाल्की के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार और राधिका आप्टे के अलावा सोनम कपूर भी अहम रोल में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म को ट्विंकल खन्ना ने अपने बैनर MRS फनी बोन्स प्रोडक्शंस तले प्रोड्यूस किया है। बता दें कि अक्षय प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही फैमिली को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं। हाल में अक्षय अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के पटाउन गए थे। एक दो दिन पहले ही ये मुंबई लौटे हैं।